नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अश्विनी कुमार और आपका स्वागत है ग्रेड गोर में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ रोचक तथ्यों पर। नंबर वन, आपने सुना होगा कि गंगा नदी का जल कभी ख़राब नहीं होता। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि गंगा नदी का जल कभी ख़राब क्यों नहीं होता? इसका कारण है सल्फर। सल्फर एक हाईली एंटीबायोटिक तत्व है जो कि गंगा नदी में पाया जाता है। जिन खदानों से गंगा नदी निकलती है वह खदानें सल्फर की हैं। इसी माध्यम से गंगा नदी में यह सल्फर पाया जाता है। नंबर टू, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक छोटे से कण से बना है जिसको आद्य कण कहते हैं। यह आद्य कण इतना छोटा था कि इसे हम अपनी डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते। यकीन नहीं होता ना, इतने छोटे कण से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। नंबर तीन, सुंदरबन डेल्टा भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। मित्रों, क्या आपको पता है डेल्टा कैसे कहते हैं? डेल्टा पृथ्वी का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि नदी का मुहाना कैसे कहते हैं? कमेंट करके आंसर दें। नंबर चार, क्या आपने हिमानी के बारे में सुना है? हिमानी किसी पर्वत का वह क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ अपनी ठोस अवस्था में बर्फ़ के रूप में जमी होती हैं। यकीन नहीं होता ना, नदियाँ ठोस अवस्था में। नंबर पाँच, महासागरों के बारे में आपने सुना होगा। दुनिया में कुल 5 महासागर हैं जिनमें हिंद महासागर ही ऐसा है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। भारतीय होने पर हमें गर्व है ना? कमेंट करके इस बारे में बताएं। नंबर छः, मित्रों आप यह तो जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से प्रदूषण होता है। अगर CO2 ना रहे तो भी जीवन असंभव है, क्योंकि CO2 पृथ्वी की ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक कर रखती है जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य रहता है। आपने देखा होगा जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। इसका भी कारण यही है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा को आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके इसका आंसर दें। नंबर 5, क्या आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितना हिस्सा प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त करती है। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना, तभी कहा है हर चीज़ एक लिमिट में ठीक रहती है। अगर पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का आधा हिस्सा भी प्राप्त करती तो शायद पृथ्वी ही नहीं होती। नंबर 8, आपने सुनामी शब्द को तो सुना ही होगा और आपको अब तक यही लगता होगा कि सुनामी शब्द हिंदी भाषा का एक शब्द है। आइए आपकी इस शंका को दूर करते हैं। सुनामी शब्द एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। क्या आप पोताश्रय का अर्थ बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके उत्तर दीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।